हेलो दोस्तों, टेक इट क्विज चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बॉम ब्लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फ्यूचर वाले मोबाइल्स का कंपैरिजन, मतलब 5G मोबाइल कंपैरिजन। दोस्तों, जल्द ही मार्केट में 5G नेटवर्क लॉन्च होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सारी कंपनी अपने 5G वाले मोबाइल्स भर भर के मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इसी में इन्फिनिक्स ने अपना नया वाला मोबाइल जो कि नोट 12 प्रो 5G है, इसको हाल ही में मार्केट में लॉन्च किया है, जिसको हम कंपेयर करेंगे पोको M4 प्रो 5G, जिसको इसी साल 2022 को मार्केट में लॉन्च किया गया था। पोको M4 प्रो 5G ऑलरेडी मार्केट में फीचर स्पेसिफिकेशन और प्राइस के हिसाब से पसंद किया जा रहा है। तो अंत तक बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा दोनों ही मोबाइल्स के प्राइसेस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड ऑल डिटेल्स अलोंग विद माय फाइनल वर्डिक्ट। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G वर्सेस पोको M4 प्रो 5G। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक इन्फोजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का थिकनेस है 8.0 mm, वेट है 188 ग्राम और साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर कीज देखने को मिलती है। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 प्रो 5G का थिकनेस है 8.75 mm, वेट है 195 ग्राम और साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर एंड पावर कीज देखने को मिलती है। यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G थिकनेस और वेट के हिसाब से थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू पोको M4 प्रो 5G। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G 2 कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, फोर्स ब्लैक एंड स्नोफॉल व्हाइट। वहीं पे पोको M4 प्रो 5G 3 कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल है, कूल ब्लू, पावर ब्लैक एंड पोको येलो। बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का डिस्प्ले साइज है 6.7 इंचेस, रिजोल्यूशन FHD+ AMOLED, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्राइटनेस है 700 nits और रिफ्रेश रेट है 60Hz। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 प्रो 5G का डिस्प्ले साइज है 6.6 इंचेस, रिजोल्यूशन FHD+ डॉट पंच होल डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्राइटनेस है 450 nits एंड रिफ्रेश रेट है 90Hz। यहाँ पे बात साफ साफ है कि इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू पोको M4 प्रो 5G। बात करें बैटरी की, तो इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G में हमें 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है अलॉन्ग विद 33W फास्ट चार्जर। वहीं पे पोको M4 प्रो 5G में भी हमें 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है अलॉन्ग विद 33W प्रो फास्ट चार्जर। दोनों ही मोबाइल्स के बैटरी डिटेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं दोनों ही मोबाइल्स के बॉडी डिटेल्स। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G प्लास्टिक बॉडी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जिसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 प्रो 5G पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है अलॉन्ग विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ऑलमोस्ट दोनों ही मोबाइल्स के बॉडी डिटेल्स सेम है। नाउ हार्ट ऑफ द मोबाइल हार्डवेयर। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G में हमें 2.4 GHz 6nm ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंतत स्कोर है 3.8 लाख प्लस। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 प्रो 5G में हमें 2.4 GHz 6nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही देखने को मिलता है, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर है और जिसका अंतत स्कोर है 3.8 लाख प्लस। दोनों ही मोबाइल्स के हार्डवेयर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। नाउ सॉफ्टवेयर। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G में हमें एंड्रॉइड 12 XOS 10.6 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलती है। वहीं पे पोको M4 प्रो 5G एंड्रॉइड 11 MIUI 12.5 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। यहाँ पे पोको M4 प्रो 5G में हमें एंड्रॉइड 12 प्रोवाइड किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। बात करें सिम एंड कनेक्टिविटी की, तो इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ आता है अलॉन्ग विद USB टाइप सी, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, 3.5 mm ऑडियो जैक, वाईफाई हॉटस्पॉट एंड ड्यूल स्पीकर्स। ऑन द अदर हैंड पोको M4 प्रो 5G भी डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ ही आता है अलॉन्ग विद USB टाइप सी, UFS 2.2, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, 3.5 mm ऑडियो जैक, वाईफाई हॉटस्पॉट एंड ड्यूल स्पीकर्स। दोनों ही मोबाइल से सिम एंड कनेक्टिविटी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है। अब देखते हैं दोनों ही मोबाइल्स के अदर डिटेल्स। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो और पोको M4 प्रो ये दोनों ही 5G मोबाइल्स है और दोनों ही मोबाइल्स में हमें ऑलमोस्ट सारे सेंसर सेम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक है, लाइट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरोमीटर एंड ई कंपास। सिर्फ पोको M4 प्रो 5G में हमें IR ब्लास्टर अलग से सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे भी दोनों ही मोबाइल्स के अदर डिटेल्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैमरा डिटेल्स। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 108 MP का, 2 MP माइक्रो लेंस एंड 2 MP डेप्थ लेंस और फ्रंट में 16 MP सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 प्रो 5G में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 50 MP, 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस और फ्रंट में हमें 16 MP सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। कैमरा के मुकाबले इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G बहुत ही आगे है एज कम्पेयर टू पोको M4 प्रो 5G। ऑलमोस्ट दोनों ही मोबाइल्स के मैंने सारे डिटेल्स अब आपको बता दिए। अब देखते हैं दोनों ही मोबाइल्स के कॉमन फीचर्स क्या क्या है। 5G 2.4 GHz 6nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G, FHD
HD प्लस डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जर, 16 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, डेडिकेटेड सिम स्लॉट, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, USB टाइप सी, 3.5 mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वाईफाई हॉटस्पॉट, ड्यूल स्पीकर्स एंड गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। ये तो थे दोनों ही मोबाइल्स के कॉमन फीचर्स। अब देखते हैं दोनों मोबाइल्स के प्राइजेस। तो प्राइजोमीटर फटाफट से हमें दोनों ही मोबाइल्स के स्टार्टिंग प्राइजेस बता दीजिए। ये देखिए दोनों ही मोबाइल से स्टार्टिंग प्राइसेस अब हमारे स्क्रीन पे है। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 17,999, जिसका रैम वर्जन है 8GB 128GB, जो कि ऑफर प्राइस है 15,499। ऑन द अदर हैंड पोको M4 प्रो 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 14,999, जिसका रैम वर्जन है 4GB 64GB। 6GB 128GB वेरिएंट वाले पोको M4 प्रो 5G का प्राइस है 16,999 और 8GB 128GB वाले वेरिएंट का पोको M4 प्रो 5G का प्राइस है 18,999। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G में हमें एक ही रैम रोम वर्जन देखने को मिलता है। अब देखते हैं कंक्लूजन। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G में हमें 6.7 इंचेस बिग एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 700 nits ब्राइटनेस एंड एंड्रॉइड 12, ये एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू पोको M4 प्रो 5G। और पोको M4 प्रो 5G में हमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड IR ब्लास्टर, ये एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G। नाउ फाइनल वेरडिक्ट। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि दोनों ही मोबाइल में से कौन सा मोबाइल बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ, इन्फिनिक्स ने इस बार ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है जो कि इस प्राइस रेंज में सब पे भारी पड़ने वाला है। हार्डवेयर में भी देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल सेम टू सेम है, लेकिन कैमरा के मुकाबले इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G बहुत ही आगे है एज कम्पेयर टू पोको M4 प्रो 5G। साथ ही साथ इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G का प्राइस इतना बढ़िया उन्होंने सेट किया है कि पोको M4 प्रो 5G को ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। 6.7 इंचेस बिग एमोलेड डिस्प्ले इज ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G। मेरी राय में इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G बहुत ही बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी मोबाइल होगा आपको अगर आपका बजट अंडर 18,000 है। आपको क्या लगता है कौन सा वाला मोबाइल अच्छा है और क्यों है, कमेंट करके बताना मत भूलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। टेक केयर इन्फोजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो हंसते रहिए, मिलते रहिए, अपनों के साथ टाइम बिताते रहिए एंड